सबसे पहले तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइज का सही टाइम क्या है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का है कि आप कोई भी मील लें, सुबह का नाश्ता या रात का खाना, उसके दो घंटे के अंदर अंदर आपको एक्सरसाइज करने आपका ज़्यादातर प्रेफर करते हैं हम लोग कि मील के 30 मिनट्स बाद आप एक्सरसाइज करें फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है। और एक्सरसाइज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू डू द स्ट्रेचेस। स्ट्रेचेस मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अपने हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करें। ठीक है, हैंड्स अप इन द एयर स्ट्रेट। ठीक है, आप कोशिश करें कि अपने नीज बेंड ना करें और अपने टोज को टच करने की कोशिश करें। ये नहीं होता भाई, जो लोग टोज टच नहीं कर सकते उनके लिए भी है कि वो बस नीचे जाके अपनी बॉडी को आगे की तरफ फेंक दें, गिर जाएं, लेकिन नीज बेंड ना करें। ठीक है, जब तक उनको लेग्स में स्ट्रेच फील नहीं होगा एक्सरसाइजेस इफेक्टिव नहीं होंगी। आपकी साइड्स पे दो इमेजिनरी रिवॉल्व्स हैं, अब उनको पुश करें। साइड स्ट्रेचेस, ठीक। फिर आप अपने हाथ में एक इनविजिबल ट्रे पकड़ के बैठे खड़े हैं, आप उसको अपने हाथों को वाइड स्प्रेड करने की कोशिश करें और एल्बोज अपनी बॉडी के साथ चिपका के रखें। ठीक है, वेस्ट के साथ। ये सारे बेसिक स्ट्रेचेस हैं जो भी एक्सरसाइज से पहले करते हैं। 5 सेकेंड्स होल्ड। सबसे द फर्स्ट एक्सरसाइज आई कैन गो टू इट्स कॉल्ड सोइंग ट्री। ठीक है, सोइंग ट्री होता है जब आप एक दरख की पोस्चर में खड़े होते हैं सीधे और आप साइड पे राइट साइड पे बेंड करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको अपनी वेस्ट ट्रिम करने में हेल्प करती है। लेफ्ट, अच्छा, इसके अंदर आप जो गलती करते हैं ज्यादातर या तो आप आगे बेंड होते हैं या पीछे बेंड होते हैं। ठीक है, कोशिश करें अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखें। इसके आप 2 से 3 सेट लगा सकते हैं 10 से 12 रिपीटेशन के साथ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम आते हैं एप्स के ऊपर, कोर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई आपकी वेस्ट ट्रिमिंग के लिए, लव हैंडल्स कम करने के लिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो मोटे हो जाते हैं, ओबीस हो जाते हैं, डायबिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ये फेस करते हैं ये लोग के ओबेसिटी, और ये एक्सरसाइजेज वो हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं। आप एक प्लैंक पोजीशन में आ जाएं, अपनी बॉडी को स्ट्रेट लाइन की तरह स्ट्रेट रखें आप एज ए स्केल। कोशिश करें शुरू शुरू में आपसे मुश्किल से कम सेकंड्स के लिए होगा, लेकिन आपको अपने सेकंड्स बढ़ाने हैं। आप होल्ड करने की कोशिश करें प्लैंक पोजीशन 60 to 90 seconds। इससे आपका कोर स्ट्रेंथन होता है, आपकी स्पाइन स्ट्रेंथन होती है। दिस इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स मैं रिकमेंड नहीं करता डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, लेकिन वॉकिंग और रनिंग जो लोग नहीं कर सकते, घर के बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए घर के अंदर के एक्सरसाइजेस। ठीक है, ओके, जिस जगह पर खड़े हो वहाँ पे आप जंप करें। ओके, फिर आप इसके बाद जंपिंग जैक्स लगा सकते हैं। जंपिंग जैक्स आप हाई नीज लगा सकते हैं, ये तो होगी बेसिक एक्सरसाइजेस, बेसिक वार्म अप स्ट्रेचेस और बेसिक जो आप कार्डियो कर सकते हैं अपनी जगह पे खड़े होकर। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर हम कॉन्सेंट्रिक फोकस लेके आ सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक फोकस क्या होता है? फॉर इंस्टेंस मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूँ। नॉर्मल इंसान जो स्क्वाट्स लगाता है पैरेलल टू द फ्लोर आराम से स्क्वाट्स लगा सकता है, बट एक डायबिटिक पेशेंट के लिए स्क्वाट्स के अंदर कॉन्सेंट्रिक फोकस बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रिक फोकस होता है जब आप नीचे जाते हैं लेकिन आप ऊपर फौरन नहीं आते, आप ऊपर कुछ टाइम में स्लोली स्लोली आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर ये होता है कि आपका कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, आप कम रिपीटेशंस लगाते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में ज़्यादा नहीं आते क्योंकि हम लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रही इसके अंदर। right. इतनी एनर्जी आप लोग नहीं लगाते हैं इसके अंदर।